वेलकम दोस्तों, स्टेनो की क्लास में आपका स्वागत है। आज स्टेनो की क्लास का 7वां दिन है और आज हम सीखेंगे ए और आई की मात्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे तेल, खेत और मेल। हमें इन्हें स्टेनो में लिखना है। तो सबसे पहले तेल लिखने के लिए मैंने तय बनाया, फिर लय बनाया, और तय पर एक ही मात्रा लगाने के लिए मुझे इस तरह से लाइन खींचनी है। तो ये छोटे एक ही मात्रा के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दोबारा देखते हैं, तय बनाया, लय बनाया, तय पर एक ही मात्रा हमने लगाई, ये बन गया ते और ल। इसी तरह हमें अगला शब्द लिखना है खेत। पहले खै बनाया मैंने, फिर तय बनाया और खै पर एक ही मात्रा लगाएंगे। इस तरह से तिरछी लाइन लगती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई तिरछी लाइन, इस तरह से। पहले खै बनाया, फिर तय बनाया और खै पर एक ही मात्रा। ऐसे ही अगला शब्द है मेल। मैंने मैं बनाया, लय बनाया और मैं पर एक ही मात्रा, तो इस तरह से बनेगा मेल। आगे देखते हैं। अब है आई की मात्रा, बड़े ए की मात्रा। जैसे कुछ शब्द हैं पैन, सैर और कैप। इन्हें हम स्टेनो में कैसे लिखेंगे? तो पहले मैंने पैन लिखने के लिए पै बनाया, नै बनाया। अब पै पर आई की मात्रा हमें लगानी है। तो आई की मात्रा बिल्कुल सीधी होती है, लेफ्ट से राइट। दोबारा देखिए, सीधी लाइन खींचनी है हमें। अब वो हमें खींचनी है बाएं से दाएं तरफ, इस तरह से। फिर से देखते हैं, पै लिखने के लिए हमने पै बनाया, नै बनाया और पै पर हमने आई की मात्रा लगा दी, ये बन गया पैन। सैर, सै बनाया, रे बनाया और सै पर हमने एक छोटी लाइन खींच दी, तो ये बन गया सैर। कैब लिखने के लिए कैब बनाया, बै बनाया और कैब पर हमने छोटी लाइन खींच दी, ये बन गया कैब। कै, बै और कै पे मात्रा, ये बन गया कैब। अब इन शब्दों से, इन मात्राओं से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इन्हें आप नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए और प्रत्येक शब्द को कम से कम 5-5 बार आपको लिखना है। यहाँ पे कुछ मिश्रित शब्द भी दिए हुए हैं जिनमें अब तक की पढ़ाई हुई सभी मात्राओं का प्रयोग किया गया है, तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिए और इनकी भी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।